मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षी। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिंग सहगल तब से सुर्खियों में बनी हुई है जब से उन्होंने संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में आलमजेब का किरदार निभाया है। और हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि जब वे 2 से 3 साल की थी तब सलमान खान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि हीरा मंडी फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। जी हाँ, इसके निर्देशक संजय लीला भंसाली है और इस प्रोजेक्ट में सहगल ने आलमजेब का किरदार निभाया है और इस किरदार को निभाने के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। हाल ही में किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बचपन में जब वे अपने मामा के सेट पर जाती थी, मामा यानी संजय लीला भंसाली उनके मामा जी हैं, जब वे सेट पर जाया करती थी तब सलमान खान से उनकी मुलाकात हुई थी। जी हाँ, हम दिल दे चुके सनम के सेट पर वे मिली थी और तब चलकर सलमान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। किसी इंटरव्यू में जैसे ही उन्होंने ये खुलासा किया तब से शर्मिन को ट्रोल किया जा रहा है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि जब सलमान ने प्रपोज किया था तब उन्होंने उसका जवाब ना भी दिया था क्योंकि तब वे छोटी बच्ची थी, तब उन्हें हाँ और ना के बीच का फर्क पता नहीं था। शर्मिन ने आगे कहा कि जब वे बड़ी हुई तब प्यार किया तो डरना किया से सलमान खान की ओ जाने जाना की वो फैंगल बन गई थी। जी हाँ, ऐसा भी उन्होंने कहा है, यानी इससे साफ जाहिर होता है कि सलमान खान के प्रति उनका एक लगाव है। जी हाँ, सलमान खान से कौन नहीं प्यार करना चाहता है। खैर, जो भी हो, आपको एक बार फिर से बता दें कि हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। जी हाँ, इसके निर्देशक संजय लीला भंसाली ही थे। हीरा मंडी के बारे में बातचीत करते हुए शर्मिन ने आगे कहा कि हालांकि इस सीरीज के निर्देशक उनके मामा हैं, मामा का मतलब संजय लीला भंसाली जी से है, मामा होते हुए भी सेट पर उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। औरों को जिस तरह से सेट पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, शर्मिन को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिया गया है, अलग से कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शर्मिन ने अपने करियर की शुरुआत 2019 में फिल्म मलाल से की थी। को तो छोड़ दिया, मगर तुझे नहीं छोड़ सकता। निहा इसके निर्देशक मंगेश हदावले थे। आगे चलकर उन्हें 2022 में अतिथि भूतो भव में सह कलाकार प्रतीक गांधी के साथ देखा गया। निहा एक बार और बताते चले कि हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। जी हाँ, हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा। कोई सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए मैंने खुला छोड़ रखा है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। ताज़ा समाचार के अमर तरफ से ऑल द बेस्ट। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 ताज़ा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार।